हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कटोरी कट ब्लाउज। तो ये देखिए, आज हम पेपर पर ही कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसको ये डबल फोल्ड में रख लिया है पेपर को, ये देख सकते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे बिछाएंगे और इसको हम पहले देखेंगे इसका लंबाई। ये आगे पीछे का पल्ला एक साथ ही कटिंग हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे करके बनाऊंगी। इसका लंबाई होगा 14 इंची, लेकिन मैं इसको 15 इंची पर इसका तैयार रखेंगे। तो ये देखिए, पीछे का पल्ला हम 15 इंची पहले पीछे का कटिंग करेंगे। तो पीछे का यहाँ से ऐसे करके 15 इंची पर इसको ऐसे निशान लगा देंगे। ये हो गया पीछे का। अब हम इसका सीना लेंगे यहाँ से 36 इंची, तो एक चौथाई आएगा 9 इंची। यहाँ पर 9 इंची पर निशान लगाएंगे, इधर भी ऐसे करके 9 इंची। इधर से हम इसको ऐसे करके सीधा निशान लगा देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम 1.5 इंची 2 इंची एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम यहाँ से 1.5 इंची पर हम निशान लगाएंगे, 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेंगे। आप चाहें तो 2 इंची भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से हम 1.5 इंची यहाँ से ऐसे करके निशान लगा देंगे। इसमें आगे पीछे का पल्ला एक साथ ही कटिंग हो रहा है। ये देखिए, ये हो गया पीछे का। हम देखेंगे 14 इंची पर तैयार करेंगे तो 15 इंची लेंगे, लेकिन वही हम आगे का बनाएंगे तो आगे का पल्ला 1 इंची बढ़ा लेंगे। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके निशान लगाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे। आप चाहे तो अपना 13 इंची पर भी इसका ले सकते हैं, लेकिन 13 इंची पर छोटा हो जाता है, तो नाटक खाटा आदमी के लिए ठीक रहता है। लेकिन यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। इसी में हम आगे पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे। पेपर पर कटिंग करने से ये होता है कि पेपर पर कटिंग कर देने के बाद हम वही पेपर पर रख के, कपड़ा पर रख के पेपर से ही हम कटिंग कर लेते हैं। कम कपड़ा में ही हमारा कटिंग हो जाएगा, नहीं तो ऐसे बीच का कटोरी निकलता है तो वो बर्बाद चल जाता है कपड़ा पर। इस तरह से डबल फोल्ड में हम बिछा के कपड़ा पर डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम आर्म होल लेंगे यहाँ से ऐसे करके 5.5 इंची पर। ये देखिए, यहाँ से 5.5 इंची। अब यहाँ से हम काफी का गहराई देंगे, या आर्म होल बोल सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके 6 इंची पर। ये कटोरी कट ब्लाउज में 6 इंची पर लेंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। यहाँ पर भी देखेंगे 6 इंची। इस निशान को इस निशान से ऐसे करके सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से काखी का बनाएंगे गोलाई। तो हम पीछे का पल्ला है, आगे का पल्ला है, एक साथ ही कटिंग हो रहा है, तो हम यहाँ से 1.5 इंची पर। नॉर्मल हम 1 इंची पर लेते हैं, लेकिन इसमें हम 1.5 इंची पर लेंगे। ये देखिए, जितना आपका काखी है उससे हाफ करिए और यहाँ से इसको इस तरह से इसका गोलाई दीजिए। ये देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर है इसका फिटिंग का, तो यहीं से हम इसको ऐसे करके गोलाई बनाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। ये हो गया पीछे का। आगे का पल्ला जब हम कटिंग करेंगे तो 0.5 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर इस निशान को हमको यहाँ से ऐसे करके मिला देना है। अब हम इसको यहाँ हो गया, अब हम इसको आगे का पल्ला बनाएंगे। तो ये देखिए, 1 इंची से कम 0.25 इंची यहाँ से ऐसे करके 0.25 इंची पर इसको लेंगे, या चाहे तो इसको हम हाफ करके भी यहाँ से ऐसे करके ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये हो गया आगे का। आगे का जब हम कटिंग करेंगे तो इसके लिए, तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके ले आएंगे। ये देख सकते हैं, ये निशान से थोड़ा सा बाहर निकाल के, ये देख सकते हैं इस तरह से इसको हम शेप में लाएंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको ऐसे करके शेप में लाएंगे, ये देख सकते हैं हो गया। अब हम यहाँ से गला कटिंग करेंगे। गला सेम वही रहेगा यहाँ से, ये देखिए 5.5 है, इसको हम यहाँ से 2.5 इंची पर गला बनाएंगे। आगे पीछे का गला एक साथ ही कटिंग हो रहा है। आगे का गला आप पीछे का गला ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे आगे का गला यहाँ से ऐसे करके 6.5 इंची पर। ऐसे तो 6 इंची पर बनता है, लेकिन ये जब
कटोरी कट बनता है तो इसमें 6.5 ज्यादा लगता है। और एक निशान हम लगाएंगे यहाँ से, ये देखिए 6.5 हो गया। एक निशान और लगाएंगे यहाँ से ऐसे करके 5.5 इंची पर, ये हो गया। ऊपर हम 2.5 इंची लिए हैं तो नीचे हम यहाँ से 2.75 इंची लेंगे। ये देखिए यहाँ नीचे डीप रहना जरूरी रहता है, तभी आपका बढ़िया बैठेगा। ये देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे। अब हम यहाँ से ये देखिए ये पीछे का कांखी ही कटिंग करना है, बाकी यहाँ से लंबाई 1 इंची कम करना, बाकी ये हो गया। अब हम आगे का बनाएंगे तो यहाँ से हम 36 इंची सीना है तो इसके लिए हम यहाँ से 13 इंची पर तीरा बनाएंगे। यहाँ से ऐसे 13 इंची पर इसको हम ऐसे बनाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ से हम इसका कटोरी का शेप लेंगे, ये देखिए 36 है तो हम इसको 3 भाग में बांटेंगे तो 3, 6, 9 तो 6 इंची का हमारा कटोरी बनेगा और 3 इंची का बगली का तीरा बनेगा। यहाँ से ऐसे करके इस निशान को हम यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे निशान लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद ये देखिए यहाँ से गला से हम यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ कांखी से यहाँ से ऐसे करके हम यहाँ से 2.5 इंची पर निशान लगाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको हमको शेप में लाना है इसका कटोरी, तो ये देखिए यहाँ पर 5.5 इंची पर निशान लगाए हैं, इसी को हमको ऐसे करके गोल में लाना है। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा गोल करके ही लाना है। ये देख सकते हैं इस तरह से ये हो गया। इसको हम ऐसे करके गोल ही लाएंगे, ये देखिए ये निशान से हम बनाएंगे। इसको हम गला यहाँ से ऐसे करके गोल बनाएंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे, 6 इंची पर है, आप चाहे तो यहाँ से ऐसे निशान लगा सकते हैं 3 इंची पर, नहीं तो इसको हम फीता हाफ करके यहाँ पर ऐसे करके निशान लगाएंगे। इसका हम उठाव यहाँ से 1 इंची पर देंगे यहाँ तक, ये देखिए इस तरह से। तो इसको हम ऐसे ही, ये देखिए एक और निशान होता है जरूरी, यहाँ से 2 इंची पर इसको हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से 1 इंची से कम 0.5 इंची इसको हम यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से इसको निशान लगा के इसको हम कटिंग कर देंगे। देखिए मैं इसका ये पेपर कटिंग पर ये होता है, ये वाला कटोरी को बढ़ा के बनाना पड़ता है, तो इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पहले हम पीछे साइड का आर्म होल कटिंग करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर हो गया। आगे का भी हम चाहें तो यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसका गला कटिंग करेंगे, देखिए जैसा हमने उगाया है सेम वैसा ही कटिंग करना है। ये हो गया। अब इसका हमको नीचे का तीरा निकालना है तो इसको हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ये देखिए ये हो गया नीचे का तीरा। इसको हम थोड़ा सा और कटिंग करेंगे यहाँ से, इस तरह से कटिंग करने से बहुत अच्छा शेप आता है, तो आप भी यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर दीजिए। और ये देखिए यहाँ से हम आगे का, यहाँ से इसको हम आगे वाला जो पार्ट हम बताए थे वो हम नहीं कटिंग किया है काखी में, तो इसको कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका झोल वगैरह पड़ जाएगा, तो ये ध्यान से कटिंग करिएगा। ये देखिए इतना निकल गया। अब हम इसका कटोरी निकालेंगे, सीधा निशान नहीं लेके जाना है, गोल करके लाना है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। इस कटोरी को हमको बढ़ा के बनाना है, तो ये देखिए ये बगल का हो गया तीरा इस तरह से, और ये हो गया नीचे का तीरा।
और हम कटोरी पर बढ़ा के कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, इसमें 1 इंची 1.5 इंची का जब हम टक्स डालेंगे तो उतना कपड़ा हमारा कम होगा। तो इसको लिए हम यहाँ से इसको कैसे कटिंग करते हैं, देखिए ये हो गया। इसको हम कैसे बढ़ा के बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों पार्ट डबल डबल में है, इसको ऐसे ही फोल्ड रहने देंगे और एक कपड़ा लेंगे। इसको साइड करूंगी और ये देखिए ये भी डबल पेपर में है। इसको हमको यहाँ से ऐसे रखना है। अगर आप कपड़ा पर कटिंग करिएगा तो इसको उड़े पट्टी में ही कटिंग करिएगा, उड़े कपड़ा में। तो अभी हम पेपर पर कटिंग करके बता दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसको जैसा है वैसा ही सेम इसको उगाना है। ये देखिए यहाँ से फिर उसको हम कैसे बढ़ा के बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ से जैसा है वैसा यहाँ तक, यहाँ पर भी यहाँ से ऐसे करके, ये देखिए यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये हो गया जैसा है वैसा बिल्कुल छाप देना है। ये छप गया, इसको हम ये देखिए ऐसे करके डार्क कर देंगे। अब इसमें हमको बढ़ाना उतना ही है गला से जितना हम सिलाई में दबा सकते हैं। आप आधा इंची दबाते हैं तो आधा इंची लीजिएगा, नहीं तो आधा इंची से कम लीजिएगा। ये देखिए मैं आधा इंची से कम ले रही हूँ और यहाँ पर ये देखिए 36 इंची सीना का है तो 1 इंची यहाँ पर बढ़ेगा और 1 इंची यहाँ पर बढ़ेगा तभी आपका शेप आएगा, और 1 इंची यहाँ पर भी बढ़ाएंगे। ये देखिए 3 जगह बढ़ाना जरूरी रहता है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे, अब इसको हम यहाँ से ऐसे निशान उगाएंगे। ये देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से बनाइएगा आपका कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। यहाँ से इसको हम ऐसे बिठाएंगे, मैं आपको कटोरी का शेप भी बैठा के बता दूंगी कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगी कैसे इसको बनाते हैं, कैसा इसका शेप आता है। ये देखिए इस तरह से लाएंगे, इधर से भी इसको ऐसे, देखिए अपने आप ये कटोरी का शेप बढ़ गया। इसको हम ऐसे करके ही कटिंग कर देंगे। अगर हम कपड़ा पर कटिंग करते तो ये वाला हमारा बेकार जाता, ये इसका अब कोई काम नहीं है। लेकिन इस पर जब पेपर पर हम कटिंग करेंगे वही तो हमारा कम से कम कपड़ा में कटोरी कट ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा आपका बिल्कुल ब्लाउज परफेक्ट बैठेगा। देखिए इस तरह से 36 इंची सीना का ब्लाउज कटिंग हो गया। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कपड़ा पर रख के कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इसका पफ कितना सुंदर बनेगा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए आगे पीछे का ये दोनों तरफ के हो गया। इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे, देख सकते हैं ये देखिए यहाँ से ऐसे करके 1-1 इंची का हम लिया है इसमें एक्स्ट्रा, तो हम 2 इंची पर इसको टेकिंग का टक्स डालेंगे। ये देखिए 1-1 इंची लिए हैं तो यहाँ से हम 1 इंची पर यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से, और इसको हम यहाँ से ऐसे करके 2.5 इंची पर इसका टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से जब हम इसको ऐसे बनाएंगे तो इसका पफ देखिए कितना सुंदर बन के तैयार होगा। ये देखिए मैं आपके सामने ही बता दे रही हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे। मशीन पर बैठाएंगे तो भी बहुत बढ़िया बैठेगा। ये देखिए 2.5 इंची पर ही लेना है इसको। देख सकते हैं इस तरह से
यहाँ पर आ गया, ये लग रहा है, तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ रखेंगे। ये देखिए ये बगल का बगली वाला सिरा है, इसको ऐसे सिलेंगे और इसको हम, ये डबल है, इसको हम यहाँ से ऐसे सिलेंगे। देखिए इसका पफ कितना सुंदर बैठ रहा है, बनने के बाद और भी खूबसूरत आएगा। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।